नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन आक्रोश। आज हम आए हुए हैं नया गांव चौराहे पे और यहां पे जानेंगे जनता का मत। इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है और किसका होगा राज्याभिषेक, जानते हैं यहां की जनता से। मिलते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। गाना ने लगा सुन रहे हो? यस। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी बनेगी। क्यों? अच्छे काम लगे उसके हमें। हमें तो नहीं लग रहा है बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया। देखो जानवर 5 साल हो गए लोगों किसान के जो है। नहीं ये हाँ मानते लेकिन ये छोड़ा किसने? छोड़ा तो हम ही लोग छोड़े ना। लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की भी है ना। गौशाला क्यों बनवाई सरकार ने? सरकार बनवाई है। किस लिए बनवाई सरकार ने? उसमें रखने के लिए बनवाए। तो फिर क्या कहाँ रख रहे भाई? जानवर रख रहे भाई को बताओ। और नहीं भैया नहीं रख रहे, बहुत जानवर किसान बहुत परेशान है जानवरों के वजह से। और सरकार में कोई दिक्कत नहीं, सरकार बहुत अच्छी तरीके चल रही है। हम कैसे माने सरकार उसी तरीके चल रही है सरकार? आप बताएं कोई चीज ना, हम बताएं आपको कि सरकार बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। क्या कार्य? केवल गुंडा माफिया राज सब बंद, बिल्कुल बंद। राजा बाबू बन के बाद वाला जो कांड हुआ था जी, कृषि में कानून में थोड़ी सरकार ने में जो कांड बाद में हाँ, जी 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 वहाँ में कांड हुआ था। एक लड़की जो है रात बहुत रात बहुत यास इसमें तेनी मिश्रा, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं बहुत गंदा बहुत गंदी हुई इसमें भ्रष्टाचार में थोड़ा जो है ये जो माफिया राज था सिस्टम में था इसमें सरकार के ऊपर दाग लगा, जरूर दाग लगा। उसमें मौजूदा पीरियड सरकार में मंत्री भी है, केंद्र के मंत्री है। और छोड़िए एनी मिश्रा जी, और छोड़िए जी, अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी चैनल पे आपने देखा होगा जी। ओबीसी के ऊपर 4 राउंड फायरिंग हो गई। अरे ये फर्जी की बातें होती है भैया, इसमें आपने नहीं 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 होंगे गाड़ी बुलेट के निशान पाए गए जी जी जी। और ये टूल नाके पे जो है इनका जो है आक्रमण हुआ इनके ऊपर जी। नहीं आक्रमण में अगर कहीं गोली लगी हो, किसी कोई हताहत हो तो अलग चीज है। हताहत क्या आप ये समझते थे कि गोली डायरेक्ट सर में लग जाती? अरे आप तो उनके सर में न लगते, किसी के कोई सहयोगी लगे, किसी की लगी है। ये एक पोपो डंडा फैलाया गया भैया, ये चीज नहीं हुई। नहीं जिनको आप अपराध नहीं मानते हैं? नहीं नहीं ये इसमें अपराध हो गए जी। दो लोग गिरफ्तार भी तो गए ना इस केस में? हाँ तो जो थोड़े बहुत जितना बन रहा है ऐसा आपने देखा होगा, लोग अभी तक कयास लगाते थे कि आतंकवादी जो होता है वो मुसलमान ही होते। नहीं 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 मुसलमान ऐसा कहते, आतंकवादी का कोई हिंदू मुस्लिम से नहीं संपर्क होता है, आतंकवादी मीन्स आतंकवादी। तो आप ये कैसे बता कैसे कह सकते हैं कि मतलब कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गए? कहाँ खत्म हो गए? तो सामने है आपके। नहीं नहीं एक कांड आया 5 वर्ष में, एक हाथ रस वाला कांड आया। बहुत सत्य बात आपने कही, अच्छी चीज है। देखो हमारा काम है सच दिखाना। जी 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 बहुत राइट, बहुत अच्छी। नहीं तो हम लोग भी गलत भैया, नहीं हम लोग किसान आदमी। इतनी सब बातों के बाद में आप बीजेपी के साथ में हैं? नहीं बीजेपी के साथ नहीं हूँ मैं, बीजेपी के साथ नहीं हूँ, क्योंकि किसान परेशान है, किसान बहुत परेशान है, इतना परेशान है जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये जानवर जो है जैसे गौशाला बनाई गई, गौशाला में अगर जानवर हो तो ये रोडन पर यहाँ मारा मारी हो रही, खेतर में किसान परेशान हो रहा है, तो ये बहुत गंदी चीज। ये सरकार से विनम्र निवेदन है कि ये इनका जो उन्हें गयन गया और ये जो स्थान है। आप बीजेपी सरकार में संतुष्ट किस बात से हैं? संतुष्ट केवल इस बात से है कि जो गुंडई नंगई थी चरम सीमा पे वो नहीं हो रही है। तो इस बार आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? अब सरकार बनाने में भैया सरकार मान के चलो बीजेपी बने या सपा बने, कुछ भी बने। अच्छा आपके क्षेत्रीय विधायक का क्या कैसी लग रहा है अपने क्षेत्र में, किसका जोरदार सिस्टम लग रहा है? अब ये क्षेत्रीय विधायक भैया अपने अपने कार्य में जाएंगे, वो तो ज्यादातर मतलब लड़ाई सपा और बीजेपी की होगी, बीजेपी और सपा की, बीजेपी सपा जी, इसके अलावा कोई है नहीं। और बसपा से सतीश वर्मा बहुत अच्छा नहीं लड़ पाए? ना 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 नहीं लड़ पाए, उसमें इच्छाएं अब अलग अलग है अपने अपने सिस्टम की, लड़ाई दो की ही है आपके साथ, दो की जी जी जी, सपा और बीजेपी। बस धन्यवाद भैया, आपसे बात कर रहा हूं। नमस्कार भैया। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, बन जाएगी कंफर्म 101%।
किन आप किस आधार पे आप कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी की सरकार पुनः वापस आ जाएगी? खाली बीजेपी पे एक ही काम बस खड़ा हुआ, जो गौशाले बनी है वो खाली इतना है कि जो जानवर उसमें नहीं है बल्कि इधर उधर घूम रहे हैं। और वो खाली वो सरकार की नहीं जिम्मेदारी है, वो खाली वो जिम्मेदारी है ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की। अगर वो अच्छी तरीके से निवाहन करते तो ये जितनी भी गैया इधर उधर साल वगैरह घूम रहे हैं तो इधर उधर ना जाते। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की आप बात कर रहे हैं, जो पैसा किस आधार पे, वन सेकंड, आप किस आधार कह रहे हैं कि नहीं की जिम्मेदारी है? क्योंकि गौ ऊपर से गवर्नमेंट ने गौशाला के लिए पैसा दिया। कितना रुपए एक गाय पे देती है सरकार? 30 रुपए देती है। 30 रुपए 30 रुपए देती है एक गाय पे। अब ये बताओ आप एक दिन में अपने घर में जो आप भैंस या गाय पाले हो लगभग कितना चारा आप उनको खिला? 2 किलो उनका पार, इसमें दूसरा ग्रेड पता है आपको? अरे इस समय तो पता है, लेकिन गवर्नमेंट पैसे तो देती है उतना। ऐसी कौन गौशाला है हमको ये बताइए आप, ऐसी कौन गौशाला है जिसमें जानवर खाली है 50 और दिखाई 150 जाते हैं? है? तो सरकार की कमी हुई भैया? नहीं 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 सरकार की कौन है कमी? अपनों कमी है यार, क्या कह रहे हो? हमें लोग मेन के पहले भी सरकार थी क्या? जानवर नहीं छुट्टा रहते थे? देखो सुनो तो बताए तो हमको बात बताए आप। हमें छोड़ देते हैं भैया, हमें छोड़ देते हैं, हमें गौशाला में पैक कर जाते हैं, ठीक है? मेरे पास है नहीं, मेरे पास भैंस नहीं, गोरू रखो नहीं। दीदी बात हम कहना कर जन चाहते हैं कहते के साथ हम जानवर एक नहीं और गौशाला में जाते हैं जब जन जो जैसा कि अभी आप लोगों से हमने अदर लोगों ने बात की, लोगों का मानना यह है कि जो बूचड़ खाने थे वो बंद करवा दिया आदित्यनाथ योगी सरकार, जिसकी वजह से कहाँ हो गए भैया जी? कौन कह रहा है बंद हो गए बूचड़ खाने, ये तो बताएं आप। जो बताता हो बता, नहीं मुझे बंद है अभी, अभी नहीं बंद है, अभी सब चलते हैं, जरूर चलते हैं अभी। कहाँ चलते हैं? अरे यार जहाँ जा रहे हो मर जाते हैं तो मछली पल्ले में उसे 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 से कहते हैं। नकली व्यवस्थाएं हो गई तो कहाँ बूचड़ खाना चल रहा है? अरे हमारे उन्नाव में सिलाइटर हाउस बहुत बढ़िया चल रहे हैं भैया जी, खूब अच्छी तरीके से बताओ, हम बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ अपनी बात, चैलेंज कर रहा हूँ। वहाँ पे गायों का भी मर्डर होता है? अरे अब ये चीजन का कोई कसर ही हुई, ये गौशालन तेरे गाय जैसे बुक कराई गई वह मददारी है, हम आबदारी है, और वही गाय गायब, वो कहाँ गए? या तो किसान खेत में गई और या तो सीधे सीताराम हो गए बूचड़ खाने। भैया जी चलो ठीक है, मुद्दा आपका बिल्कुल जायज है जी, लेकिन फिर हम बात कर रहे हैं सर्वे की, समय इलेक्शन बहुत जोर से है, लोगों के दिमाग में तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं, और मुझे ये लगता है कि इस समय हम मुद्दों के साथ साथ में जी जी ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में या हमारे उत्तर प्रदेश में किसका बाहुबल ज्यादा तेज? बाहुबल अखिलेश जी का होगा, अखिलेश जी का होगा, अखिलेश की सरकार बनेगी। बिल्कुल आपने अभी थोड़ी देर अखिलेश की ही सरकार बनेगी, हम अखिलेश जी की बात करेंगे आपके साथ, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले कहे थे कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म है। जी 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 जी, यानी 5 साल में लगभग 2 से 3 मामले बताए, लेकिन आप अखिलेश की सरकार में कितना मानते थे, कितनी गुंडा करते? अखिलेश की सरकार में ही गुंडा राज जितने योगी जी बता रहे हैं, नाम ले रहे अतीक का, अंसारी का, ये सब उसी पीरियड ही बंद थे। आप ये योगी तो नहीं बंद कर रहे थे उस पीरियड ही योगी? आप तो क्या कहना है? आप बताएं आपको कुछ कहना भैया? भैया हम माफी मांगे आपसे, अरे भैया देखो मैं बोलना चाहूंगा सारी सरकारों से बीजेपी सरकार काफी बेटर है, सारी सरकारों से बीजेपी सरकार काफी बेटर है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे नहीं भैया आपने बने राम एक अच्छा मंदिर है, आप यहाँ बनवा ले, सिर्फ योगी सरकार, सिर्फ योगी सरकार, सिर्फ योगी सरकार। अच्छा वर्तमान विधायक जी, वर्तमान विधायक माननीय आशीष सिंह आशू जी से क्या लोग संतुष्ट हैं यहाँ पे? इनके विधायक से कोई क्षेत्र का मैटर है, मैं उन्नाव जिला का हूँ, उन्नाव से। हाँ जी, और आप लोगों के क्या लग रहा है? जी मैं संतुष्ट हूँ। देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ
क्योंकि अभी तक के सर्वे में हमारे पास जो भी लोगों का कहना आया है, जो मैसेज आया है, उसे अभी तक किसी भी भाई ने हमें ये नहीं कहा कि मासी सिंह आसू जी के कार्यकाल में खुश रहे या उनकी कार्य प्रणाली से हम खुश हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, नहीं खुश है, हमारे ग्राम नया गाँव में कुछ नहीं आशीष सिंह ने किया है, कुछ नहीं किया, नहीं किया है विधानसभा में कोई काम। अच्छा ये देखो जो आपके नया गाँव से सड़क निकली है, मानना ये बताया जाता है ये भी जो आशीष सिंह आसू की वजह से ये सड़क ये नहीं भैया ऐसा करो, अरे ये सड़क को तो बहुत आज, अरे भैया।